अलीगढ़ जिले का बरौली विधानसभा क्षेत्र, कांग्रेस ने यहां केशव बघेल को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने दलवीर सिंह पर अपना दांव चला है। वहीं बीएसपी उम्मीदवार हैं जयवीर सिंह। बरौली विधानसभा सीट पर कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के बीच मुकाबला त्रिकोणीय है। बीजेपी उम्मीदवार ठाकुर दलवीर सिंह को जिताने के लिए उनकी गाड़ियों का काफिला हवा बनाने धूल उड़ाता हुआ निकल पड़ा है। इस काफिले को साथ मिल रही है कमल छाप बाइक की, वही बाइक जो नोटबंदी के समय सुर्खियां बनी थी। अलीगढ़ में पीएम मोदी की हुई रैली के बाद बीजेपी उम्मीदवार दलवीर सिंह अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। कल मोदी जी की भाषण के बाद अब तो कोई मुकाबले में है ही नहीं। फिर भी नियरेस्ट आपको कौन लगता है, एसपी या बीएसपी? अब नहीं, नियरेस्ट ये जो बसपा, इसका जो गठबंधन हुआ है सपा का और इसका कांग्रेस का, इससे थोड़ा बहुत हो सकता है, बसपा तो कहीं सामने भी नहीं है। बीएसपी उम्मीदवार और मायावती सरकार में मंत्री रहे ठाकुर जयवीर सिंह अनूप शहर अलीगढ़ रोड पर चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, पर यहां सड़क जाम है और वाहनों की लंबी कतार लगी है। जयवीर सिंह खराब कानून व्यवस्था और अपनी नेता मायावती के चेहरे पर जनता से वोट मांग रहे हैं। हमारा वोट तो 2012 में भी 20,000 बड़ा था और इस बार सर्व समाज का समर्थन मेरे साथ है और 100% यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी की जमानत बचने वाली नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हैं केशव बघेल। कांग्रेस उम्मीदवार केशव ने बरौली के चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया है। जनता के बीच विकास के मुद्दे हैं, नोटबंदी से लोग परेशान हैं, आज अपना पैसा, अपना ही पैसा लोग नहीं निकाल पा रहे हैं, उसका हमें बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तो ये केशव सिंह बघेल, इनका कहना है कि इनको फायदा मिल रहा है नोटबंदी से हुए नुकसान का और जो गठबंधन हुआ है उससे फायदा भी ये होता देख रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजे 11 मार्च को ही आएंगे कि आखिर बरौली की सीट किसके खाते में जाती है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जावेद मंसूरी, एबीपी न्यूज़, बरौली अलीगढ़।